हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ये मुख्तसर सी वीडियो यहाँ पे लेकर आई हूँ। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि अगर हमारे एमएस वर्ड में ब्लैंक पेजेस मौजूद हैं या जैसे ही पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं कि वो पेज हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो इस चीज़ को बहुत फेस करते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम कोई भी पेज को डिलीट कैसे करते हैं। तो चले वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बाद में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ बुशरा फातमा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेन्यू से हम यहाँ पे वर्ड टाइप करते हैं और यहाँ से ये वर्ड है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज यहाँ पे शो हो रहा है, वन पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ही पेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे यहाँ इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कि वन ऑफ वन पेज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास पेज काफ़ी सारे मौजूद हों तो उसके डिलीट करने के कोई दो तरीके हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं। कोई दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप जो है अपने पेजेस को मिनटों में जो है डिलीट कर सकते हैं। तो जो दो तरीके हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके हैं, एक शॉर्टकट है और एक विदाउट शॉर्टकट है। तो मैं आपको दोनों तरीकों से ये चीज़ बताऊंगी कि किस तरीके से हम पेज को डिलीट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे और पेजेस जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ, ब्लैंक पेजेस और मज़ीद यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिए। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे मेरे कितने पेजेस शो हो रहे हैं, फाइव ऑफ फाइव पेजेस शो हो रहे हैं। तो यानी कि मेरे पास टोटल यहाँ पे कितने पेजेस हैं, फाइव हैं। तो मैं अब इसमें से कोई भी पेज चाहूँ तो अपना डिलीट कर सकती हूँ ईजिली। तो उसके क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने शॉर्टकट तरीके की तरफ कि हम किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे अपना पेज डिलीट करना है सेकंड वाला, ये सेकंड नंबर पे जो पेज है मेरा, मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए फाइव पेजेस हैं जिनमें से मैं टू वाले पे हूँ, यानी कि दूसरे पेज पे मैं अभी तक हूँ। तो ये जो मैं दूसरा पेज है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टकट जो की है आपको समझाने के लिए, वो ये है कि आप अपने कर्सर के अंदर, आप अपने कीबोर्ड के अंदर, आप यहाँ पे देखिए कि बैक स्पेस का एक बटन होता है, आप यहाँ बैक स्पेस प्रेस कीजिए। और एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपको कर्सर थोड़ा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, देन आप अगेन बैक स्पेस प्रेस कीजिए। ये देखिए आपका पेज डिलीट होके कर्सर कहाँ आ गया, पहले पेज पे आ गया। टोटल कितने पेज हो गए, फोर पेज हो गए, जिनमें से पहला क्या हो गया, जिनमें से एक जो डिलीट हो गया, और अब कितने हो गए, फोर हो गए। यानी कि आप यहाँ देखिए पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और यहाँ पे ये हो गया चौथा पेज। यानी कि टोटल फाइव थे जिनमें से मैंने एक को डिलीट कर दिया। अब जैसे मैं चाह रही हूँ ये वाला सेकेंड नंबर पे जो है पेज, मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो आप अपने कीबोर्ड पे बैक स्पेस की को प्रेस करते रहिए। और फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपके पेजेस कितने हो गए, तीन, और जिनमें से हम पहले पेज पे भी मौजूद हैं। तो यानी कि आपका एक पेज जो है यहाँ पे डिलीट हो चुका है, टोटल थ्री पेजेस हो गए। ये देखिए, तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा तरीका है ये अपने पेजेस को आपको डिलीट करने का। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ जो कि थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो उम्मीद है ये शॉर्टकट मेथड तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चले दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरे मेथड को डिलीट करने के लिए अभी आपके पास यहाँ पे मौजूद है थ्री पेजेस, वन टू यहाँ पे थ्री। तो सेकंड मेथड है आपका, वो आप जाएंगे यहाँ से देखिए व्यू टैब, ये व्यू टैब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं नेविगेशन पेन, यहाँ पे आप ये देखिए नेविगेशन पेन पे आप चेक लगा दें तो आपके पास साइट में जो है यहाँ पे नेविगेशन पेन शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपका पहली हेडिंग, सेकंड पेजेस एंड देन रिजल्ट। तो हमें जाने पेजेस पर, पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अभी शो हो रहे होंगे कि आपके अभी इस वक्त पेज कितने मौजूद हैं। सही है, तो कितने पेज मौजूद हैं आपके, थ्री पेजेस मौजूद हैं। अब इनमें से आपको कौन सा पेज डिलीट करना है, सपोज कीजिए मुझे थर्ड नंबर वाला पेज डिलीट करना है। तो जैसे ही मैं थर्ड नंबर वाले पेज पे क्लिक करती हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे मेरे इस पेज पे शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपने पेज को डिलीट करना है, तो मैं इस पेज को सिलेक्ट करके बैक स्पेस
दबा दूंगी तो ये देखिए मेरा पेज डिलीट हो गया है। अब मेरे टोटल कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है अपने पेजेस को डिलीट करने का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ये था आपके पास शॉर्टकट मेथड कि किस तरीके से अपने पेज को आप डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल में और मज़ीद जो है बहुत सारी वीडियो ऐसी अपलोड करती रहती हूँ लर्निंग के हवाले से। तो जो वीडियो देखना चाहते हैं मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगी। लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।